शराब के नशे में चूर दोस्तों ने रात दिन साथ रहने वाले अपने ही साथी की हत्या कर दी। घटना सोमवार को दुर्गापुरा स्थित ग्रेसिम केमिकल उद्योग के पारदी गेट के सामने अवैध शराब के अड्डे पर हुई। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बिरलाग्राम पुलिस के अनुसार मामले में मुख्य आरोपी ब्रजेश मेहता मदनलाल नायक निवासी दुर्गापुरा, योगेश नरेंद्र सीताराम और कैलाश के साथ बैठकर शराब पी रहा था। इसी दौरान उनके दो अन्य साथी शिवनारायण उर्फ शिवा और कुशाल भी यहां पहुंच गए। यहां पर दोनों ने ब्रजेश और अन्य से कहा, चलो साथ बैठकर पार्टी करते हैं। इस पर ब्रजेश ने इनकार कर दिया। तभी कुशाल ने ब्रजेश का शराब से भरा गिलास उठाकर पी लिया। इस पर ब्रजेश नाराज हुआ और कुशाल से भिड़ गया। कुशाल भी तेज में आया और उसने ब्रजेश को चाटा मार कर गिरा दिया और उस पर चढ़ गया। इसी दौरान ब्रजेश ने चाकू निकाल लिया और कुशाल के पेट में ताबड़तोड़ चाकू से वार कर दिए। मामला बढ़ता देख बीच बचाव करने पहुंचे शिव नारायण के पेट में ब्रजेश का चाकू लग गया। वार इतना खतरनाक था कि शिव नारायण ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। CSP मनोज रत्नाकर के अनुसार मौके से गंभीर हालत में मिले कुशाल को रवि और अमर इलाज के लिए सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसे उज्जैन रेफर किया गया। मृतक शिवनारायण उम्र 26 वर्ष केमिकल उद्योग में ठेका कर्मचारी था। उसके दो बेटे हैं, बड़ा बेटा यश 4 वर्ष और वेदांत 2 साल का है। पुलिस ने मामले में मुख्य आरोपी ब्रजेश सहित योगेश नरेंद्र सीताराम और कैलाश को गिरफ्तार कर उनके पास से चाकू और स्कूटी बरामद कर पांचों के खिलाफ धारा 344/19, 307, 302 और 34 में प्रकरण दर्ज किया है। ASP अंतर सिंह कनेश के निर्देश पर CSP मनोज रत्नाकर ने तत्काल मुखबिर तंत्र सक्रिय कर दिया। देर रात मुखबिर ने सूचना दी कि ब्रजेश दोस्तों के साथ विद्यानगर में किसी रिश्तेदार के घर में छुपा हुआ है। पुलिस ने क्षेत्र की घेराबंदी कर सर्चिंग शुरू की तो ब्रजेश यहां एक मकान में योगेंद्र और नरेंद्र के साथ पकड़ा गया। अन्य दो आरोपी सीताराम और कैलाश को पुलिस ने टकरावदा से गिरफ्तार किया। बिरलाग्राम थाना प्रभारी ML मीणा ने बताया, आरोपी पारदी गेट के आसपास आने वाले ट्रकों में लोडिंग अनलोडिंग का काम करते थे।